how are you? Waiting for question and answers, no? I know. So, कल मैंने आप लोगों को explain किया था, कल क्या था, क्या परसों, I don't know. तो आप लोगों के question और answers किस तरह से लिखने हैं, उसके लिए मैं आपको help करने वाली हूँ. तो आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड तो किया ही रहेगा ना? Very good. तो जो मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेसन एक्सप्लेन किया था, कौन सा लेसन था वो? व्हाट इज हिस्ट्री. तो उसके क्वेश्चन और आंसर आप लोगों को किस तरह से लिखने हैं उसके बारे में मैं बताती हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स. द साइंस दैट ट्राइज अंडरस्टैंड पास्ट इवेंट्स कॉल्ड. अभी जो पास्ट टेंस में हो गया है उसे समझने का कोशिश करता है साइंस. तो उसका आंसर क्या आएगा, कैसे ढूंढते हैं लेसन में से, वो मैं आपको बता रही हूँ. साइंस टेलर्स अबाउट इवेंट इन द पास्ट. देखो यहाँ पर है द साइंस दैट ट्राइज टू अंडरस्टैंड पास्ट इवेंट्स इज कॉल्ड हिस्ट्री. तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर में, हिस्ट्री आएगा. हिस्ट्री इज नॉट रिटन सोली ऑन द बेसिस ऑफ, ये देखो का आंसर है पेज नंबर 2 पे. देखो हिस्ट्री इज नॉट रिटन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन. सिर्फ सोच कर कल्पना करके नहीं लिखते, प्रूव करके लिखते हैं, ठीक है? तो इसका आंसर है इमेजिनेशन. आंसर सच ईच क्वेश्चन इन वन सेंटेंस. व्हाट इज द साइंटिफिक मेथड, पेज नंबर 2 में यहाँ पर देखो 1.2 साइंटिफिक मेथड ऑफ हिस्ट्री लिखा है. उसका ये जो लास्ट लाइन जो है, लास्ट के जो लाइन्स है, द मेथड ऑफ यूजिंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर द एविडेंस इज रिलायबल इज कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड. ये है उसका आंसर, ठीक है? बी, ऑफ विच एक्शन इज इंडियाज इंडिपेंडेंस द रिजल्ट. मैंने जब ये एक्सप्लेन किया तभी आपको मैंने बताया था कि ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा. देखो इधर ही है पेज नंबर 3, यहाँ से स्टार्ट करें. 15 अगस्त 19, सो वी कैन से दैट इंडिपेंडेंस वॉज अ कंसिक्वेंस. Of an action that is the Indian people's struggle for independence. ठीक है, the result, the Indian people's struggles of independence, इसका answer है, ठीक है? Now see, what does the study of history make possible? हिस्ट्री का जो हम लोग स्टडी करते हैं उससे क्या पॉसिबल होता है. 4, यहाँ पर जो लास्ट पैराग्राफ है, इन्वेंशन ऑफ टुडे आर ओनली पॉसिबल ऑन द फाउंडेशन ऑफ द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस ऑफ द पास्ट. ठीक है, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ. डिटेल में क्वेश्चन के आंसर लिखने को आ गया है. ए, व्हाई इज हिस्ट्री कंसिडर्ड टू बी अ साइंटिफिक डिसिप्लिन. हिस्ट्री को साइंटिफिक डिसिप्लिन क्यों कहा गया है, कंसिडर क्यों किया गया है? पेज नंबर 2 में यहाँ पर देखो
का आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है. इवन सो नहीं, इवन सो मत लिखना. हिस्ट्री यूजेज द साइंटिफिक मेथड एट एवरी स्टेज, नेमली वाइल लुकिंग फॉर अ कलेक्शन, कलेक्टिंग एविडेंस, एग्जामिनिंग द एविडेंस एंड वाइल पुटिंग इट टुगेदर. When required, help is also taken from other sciences. That is why history is considered to be a scientific discipline. यहाँ तक ठीक है. History से लेके discipline तक इसका answer आएगा. अभी next है question B. What is it that puts obstacles in the way of village development? अभी विलेज के डेवलपमेंट में क्या है जो ऑब्स्टिकल्स लाता है, अड़चन लाता है. ये भी जब मैंने एक्सप्लेन किया था तभी आपको मैंने कहा था कि ये भी इम्पॉर्टेंट है. अभी देखिए यहाँ पर है इसका आंसर. इफ़ द पीपल कैन नॉट कम टुगेदर, इट पुट्स ऑब्स्टिकल्स इन द वे ऑफ इट्स डेवलपमेंट. अगर सब मिलजुल के काम करेंगे तो अच्छा प्रोग्रेस होगा. अगर सब लोग एक दूसरे से मिलजुल के काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, काम करने में, डेवलपमेंट में बहुत सारी अड़चने आएगी. तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसका आंसर है. ठीक है, और आप भी अपना कुछ व्यू इसमें डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी यहाँ पर दिया है कंप्लीट द कंसेप्ट, कंसेप्ट चार्ट. अभी यहाँ पर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री हर चीज़ की हिस्ट्री होती है ना. तो अभी कैसे दिया है यहाँ पर, हिस्ट्री ऑफ विलेज, ऑफ अ विलेज, ऑफ अ सिटी, ऑफ फादर, फादर की भी हिस्ट्री है, स्कूल की भी हिस्ट्री है, माय ओन अपनी खुद की भी हिस्ट्री है, अपने स्कूल की भी हिस्ट्री है. फिर आपको अभी इधर क्या लिखना है, ऑफ अ ग्रैंड मदर लिखो, ग्रैंड फादर लिखो, उनकी भी तो हिस्ट्री है. हिस्ट्री ऑफ ये जो है ये मेरे व्यूज है. ठीक है, अभी हिस्ट्री ये कॉमन वर्ड है. हिस्ट्री ऑफ अ विलेज, हिस्ट्री ऑफ अ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ अ सिटी, हिस्ट्री ऑफ अ महाराष्ट्र स्टेट. अभी इधर भी दिया इन्होंने हिस्ट्री ऑफ माई ओन, हिस्ट्री ऑफ अ स्कूल, हिस्ट्री ऑफ शिवाजी महाराज, हिस्ट्री ऑफ ग्रैंडमा. तो आपके हिसाब से आप लोग इसमें लिखो कि आपको किसकी हिस्ट्री इसमें लिखनी है. अभी यहाँ पर पूछा है फाइव में, क्लासीफाई द सोर्स ऑफ हिस्ट्री यूजिंग द चार्ट गिवन हियर. अभी एक चार्ट दिया गया है यहाँ पर और इधर कुछ नेम दिए गए हैं सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. तो पहले हम लोग क्या नाम दिए हैं वो देखते हैं. ठीक है, कॉइन, लेटर, फोर, ट्रेडिशनल सॉन्ग, पॉट्स, कॉपर प्लेट्स, ओल्ड स्ट्रक्चर, स्टोन इंस्क्रिप्शंस, फोक सॉन्ग्स, पिलर्स, बायोग्राफीज, रॉक कट, केव्स एंड फोक टेल्स. तो ये यहाँ पर नाम दिए हैं. अभी इधर उन्होंने एक चार्ट दिया है तो इसमें क्या दिया है, मटेरियल यानी चीज़ें है, रिटन यानी लिख कर रखे हुए हैं, ओरल यानी जो मुँह से बोलते बोलते आए हैं, सुनते सुनते लोग कहते आ रहे हैं उसे ओरल कहते. ठीक है, तो ये जो यहाँ पर नाम दिए, ये एग्ज़ाम में ना आपको 100% आएगा तो ये पक्का करके जाना आप लोग. ठीक है, ये और ये भी. तो ये इसमें से मटेरियल क्या है, चीज़ें कौन से है, कॉइन है, फोर्ट है, पॉट है, ओल्ड स्ट्रक्चर्स, पिलर्स है और रॉक कट है. देखो इसमें के कॉइन, फोर्ट्स, पॉट्स, कॉपर प्लेट्स, ओल्ड स्ट्रक्चर्स, पिलर्स, रॉक कट, ये है मटेरियल. अभी रिटर्न में क्या है, लेटर, कॉपर प्लेट्स, हाँ, और स्टोन इंस्क्रिप्शन जो पत्थर में कुरेद कुरेद के लिखा जाता है ना, पत्थर में
वो बायोग्राफीज रिटर्न है। और ओरल में क्या आएगा, ये हो गए रिटर्न। अभी ओरल में क्या क्या आएगा, तो ओरल यानी क्या है, ओरल में ट्रेडिशनल सॉन्ग्स है, फोक सॉन्ग्स है और फोक टेल्स है। फोक टेल्स यानी क्या, जो पहले हमारे दादा दादी नाना नानी कहानियाँ सुनाती है ना हम लोग को, परियों की, राजा रानियों की, वो जो है वो कहानियाँ जो हम लोग पहले से सुनते आ रहे हैं, राम की। तो इस तरह से अपने जो क्वेश्चन और आंसर्स है कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप लोगों को बहुत हेल्प होगा इसे लिखने के लिए। और प्लीज़ आप लोग लिख कर निकालिए क्वेश्चंस एंड आंसर्स। हर बार गाइड पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए आप लोगों को, गाइड यूज़ करना चाहिए कभी अगर कहीं हमारी गाड़ी अटक गई तो, खाली कंफर्म करने के लिए आपको गाइड का यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज़ बच्चे लोग क्या करते मैंने देखा है, क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं, गाइड लेते हैं, लिख डालते हैं, क्या क्वेश्चन है वो पता नहीं, क्या आंसर लिख रहे हैं वो पता नहीं। और पेरेंट्स प्लीज़ बच्चों को अगर कुछ ज़रूरत है हेल्प की तो आप लोग खुद उनको गाइड में से ढूंढ कर दिखाइए कि ये है उसका कन्फर्म जवाब। खाली वो कन्फ्यूजन है थोड़ा दूर करने के लिए हम लोग को भी यूज़ करना पड़ता है कभी कभी, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन कम्प्लीटली डिपेंडेंट रहना वेरी बैड। आपको भगवान ने अक्ल दी है ना, कितने होशियार है ना आप लोग, तो मोबाइल की गेम खेलते समय कितने इंटेलिजेंट हो जाते हैं क्या नहीं, तो उसी तरह से आप लोग पढ़ेंगे भी तभी भी आपका इंटेलिजेंस जो है उसमें यूज़ करना है आप लोग को, ठीक है। तो चलो फिर लिखने को शुरू हो जाओ क्वेश्चन एंड आंसर्स। कुछ भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी, ओके। तो मिलते हैं अभी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मेरे वीडियोज़ को फॉरवर्ड भी करेंगे, ठीक है। आपके जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं उन लोगों को भी फॉरवर्ड करना मेरे वीडियोस, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर देना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।